नवसारी शहर में आवेल प्रगति एजुकेशन एंड चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वार्षिक रमतोत्सव नो आयोजन करवामां आव्युं हतुं। नवसारी शहर में आवेल प्रगति एजुकेशन एंड चेरिटेबल ट्रस्ट ना प्रमुख अबरार मलेक अने तेमनी टीम द्वारा जरूरियातमंद विद्यार्थियों ने पगभर बनावा माटेना सेवाकीय कार्यो करवामां आवे छे। तेमज गरीब वर्गना विद्यार्थियों ने नर्सिंग कोर्स, लेब टेक्निशियन जेवी तालीम राहत दरे आपवामां आवे छे। तेमज एमने ट्रेनिंग दरमियान मां ज सारी जॉब पण अपावामां मदद करवामां आवे छे। 11 અને 12 ધોરણ પાસ આઉટ કરીને નીકળેલા નિસહાય બાળકોને નોકરી રોજગાર માટે પણ મદદરૂપ થતી સંસ્થા પ્રગતિ એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના મનોરંજન માટે વાર્ષિક રમતોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। નવસારીના ગાંધી સ્મૃતિ ફાટક નજીક આવેલ દયાળજી બાગ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે યોજાયેલ કાર્યક્રમમાં સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા લાભાર્થી વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓને ક્રિકેટ, રસ્સી ખેંચ, 10 રાઉન્ડ, દોડ જેવી વિવિધ રમતોમાં ભાગ લીધો હતો અને જેમાં ખાસ કરીને મહિલાને પ્રોત્સાહિત કરતા ખેલોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે નવસારી જિલ્લા યુથ ઓફિસર વર્ષા રોઘા, તપસ્યા નારી જેવી સેવા સમિતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઋષિદા ઠાકોર તથા ગુજરાત ફૂટબોલ કેપ્ટન જાવેદ સાફેદા અને RBSK મેડિકલ ઓફિસર ડોક્ટર નિકુંજ પટેલ અને ડોક્ટર પ્રસાદ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અને પ્રગતિ એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા યોજાયેલા રમતગમત કાર્યક્રમના વખાણ કર્યા હતા અને રમત સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર બાળકોનો પણ ઉત્સાહ વધાર્યો હતો। તે બદલ પ્રગતિ એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ અબરાર મલિકે તમામનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। મેરા નામ અબરાર મલિક હે ઓર મેં પ્રગતિ એજ્યુકેશન સેન્ટર કા સંચાલક હું। મેને 2015 મેં પ્રગતિ એજ્યુકેશન સેન્ટર સ્ટાર્ટ કિયા ઓર ઇસકે અંદર હમારે યહાં પે નર્સિંગ કે સાલ દો સાલ કે કોર્સ કે અંદર સબ સ્ટુડન્ટ એડમિશન લેતે હૈ। મોસ્ટલી જો સ્ટુડન્ટ આતે હૈ વો વિલેજીસ સે આતે હૈ और पुअर एरिया से आते हैं, तो उनको प्रगति एजुकेशन की तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है हम करते हैं। जो यतीम बिना माँ बाप के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यहाँ पे स्टडी कराया जाता है और सभी स्टूडेंट को हम जॉब प्लेसमेंट भी करवाते हैं और हर साल उनके लिए कोई ना कोई इवेंट रखते हैं हम, जिसमें स्पोर्ट डे जो हर साल एक परफेक्ट टाइमिंग पे हम मैनेज करते हैं और स्टूडेंट्स को क्रिकेट से लेके 8 से 10 दूसरी यूनिक और कॉमेडी गेम्स के गेम्स हम खेल लगाते हैं। उसके अंदर स्टूडेंट काफ़ी एंजॉय भी करते हैं और ये जो हमारा स्पोर्ट डे होता है जो स्टूडेंट्स लोगों की थियरी सिलेबस ख़त्म होने के टाइम पे होता है, इसके बाद ये लोग सभी स्टूडेंट करीबन 250 के आसपास स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, गर्ल्स हैं मोस्टली, तो वो सब यहाँ पे अभी इनकी स्टडी ख़त्म हुई, अभी ये लास्ट उनका एक एंजॉयमेंट डे था स्पोर्ट्स डे और अब ये लोग हॉस्पिटल में जॉब और ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। जी अभी हमारे पास टोटल 250 के आसपास स्टूडेंट्स है, जिसमें नर्सिंग में 190 के आसपास है और 55 to 60 लैब टेक्नीशियन कोर्स के अंदर है। जी हाँ जी, मेरे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मदर फादर नहीं है, तो उनका मदर फादर बनके मुझसे जो कुछ भी होता है उनके लिए मैं करता हूँ कि जैसे उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है मेरे यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो भी कोर्स के अंदर एडमिशन चाहिए होता है उसमें मिलता है और उनके प्रोफेशनल पर्सनल कुछ एक्सपेंस है जो मेरी तरफ से उनको दिए जाते हैं। ईद, दिवाली जो भी बड़े त्यौहार आते हैं उस टाइम पे भी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से हेल्प की जाती है और जो बिना माँ बाप की बच्ची है उनके कन्यादान तक की जिम्मेदारी प्रगति एजुकेशन यानी कि मैं अबरार मलिक लेते हैं। फी बाकी जगहों से नॉमिनल है, जिसमें बिना माँ बाप के जो बच्चे हैं उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये प्रगति एजुकेशन सेंटर मैंने अपने अर्निंग पर्पस के लिए स्टार्ट नहीं किया था, मैंने जो बच्चे डिज़र्व करते हैं उनको रोज़गारी देने के लिए ये स्टार्ट किया है और मेरा मोटिव यही है कि मैं ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करूँ, उनको प्लेसमेंट कराऊँ, उनको कोर्स ख़त्म होने तक अपने पैरों पर स्टेबल कर दूँ, ये मेरा मेन मोटिव है। आज रोज प्रगति एजुकेशन सेंटर द्वारा स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है। लगभग 200 से 250 लोग इस आयोजन में, इस स्पोर्ट्स मीट में भाग ले रहे हैं और मुझे जान के खुशी हो रही है कि ये वह बच्चे हैं जो 11th 12th पास आउट होने के बाद उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई फंडिंग नहीं होती और यहाँ के प्रगति एजुकेशन सेंटर के हेड ऑफिसर अबरार मलिक जी उनको अपनी फंडिंग से
एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, नर्सिंग के 2 ईयर्स के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और उनका प्लेसमेंट करते हैं। ये वह बच्चे हैं जिनके पास ना कोई प्रेरणा है और ना ही कोई मेंटोर, और जहाँ पर एब्रार सर उनके एक मेंटोर की तरह काम करके उन्हें आगे बढ़ाने की एक पहल कर रहे हैं। आज का स्पोर्ट्स मीट थोड़ा अलग था। यूजुअल हम स्पोर्ट्स मीट में देखते हैं कि अलग अलग गेम्स है, कंपटीशन है, पर आज के स्पोर्ट्स मीट में एक कंसेप्ट रखा गया, कॉमेडी कंसेप्ट, जहाँ पर बच्चे ना केवल खेल रहे थे साथ साथ मस्ती कर रहे थे और अलग अलग थीम पे डांस भी कर रहे थे। तो इस इनिशिएटिव के लिए और एक इस यूनिक कंसेप्ट के लिए कि स्पोर्ट्स ना केवल हमारी फिटनेस के लिए ज़रूरी है, साथ में हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी ज़रूरी है, तो इस इनिशिएटिव के लिए मैं प्रगति एजुकेशन सेंटर की सारी अथॉरिटीज़ को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। धन्यवाद। मारू नाम श्रुति राजभर है। हूँ फर्स्टली मतलब मैरिड छोकरी छू अने मतलब मैं अत्यारे 4 महीना पहला प्रगति एजुकेशन जॉइन करेलू। एनी पहला हूँ जॉब करती थी, पछी मतलब मने एम थयुं कि चलो नर्सिंग करिए, नर्सिंग एक बेस्ट फेकल्टी है। पछी मैं बहु बधा जोया, बधे कोर्स बहु कॉस्टली हता, पछी मने प्रगति एक एवुं मळ्युं कि ज्यां मने शीखवा बी सारूं मळ्युं अने त्यां मने कोर्सनी फी पण बहु सारी मळी। पछी वात करूँ क्लास में जॉइन थवानी, क्लास में जॉइन थई एना पछी मतलब फर्स्टली इन्वायरमेंट त्यानु बहु क्लीन छे, बहु चोखू छे, क्लास भी बहु अमारा क्लीन होय छे, प्लस अमारा मैम अमने बहु सारी रीते शीखवे, प्लस अमने जो कई नथी आवडतुं ने तो मैम पर्सनल गाइडन्स भी बहु सारू आपे। एना अलावा मतलब एंटरटेनमेंटनी वात करूँ तो मतलब एक होय ने कि लग्न पछी बधुं एम थाय के पती जाय, बट अहीं आव्या पछी ने मने नवा नवा एक्सपीरियंस बहु सारा मळ्या। अत्यारे स्पोर्ट डे छे, हूँ पार्टिसिपेट करूँ छूँ, शायद मने याद होय ने तो मैं 4 वर्ष पहला गेम्स ने बधुं एन्जॉय करेलू, पाछू ए लाइफ में आवा मळ्युं मने प्रगति में आव्या पछी। प्लस बधुं अमारा क्लास थी लईने स्टडी थी लईने बधुं अमारुं परफेक्ट होय, एक्जामिनेशन्स अमारी थाय, प्लस अमारा सर एटला सारा छे ने कि फ्रेन्डली नेचर कहीए के क्लास डिसिप्लिन कहीए, बधुं बहु परफेक्ट होय छे अमारा क्लासमां। हूँ प्रगतिमां आवीने एक नवुं कहेवाय ने कि पोतानी जातने एक नवुं नाम मळे ने ते मने प्रगतिमांथी मळेलुं छे, तो हूँ छूं कि मने प्रगति मळी एम।